हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगे और आज के इस वीडियो में बेटा हम मेरिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट के देखने वाले हैं। आखिरकार कोई भी बिजनेसमैन जब भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाता है तो उसे इसके रिगार्डिंग क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होने वाले हैं और इसके उसको किस तरह के जो फायदे फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एडवर्टीजमेंट के जो मेरिट्स है ना वो 7 बेसिस पर देखने वाले हैं और वो 7 बेसिस हैं इकोनॉमी, एनहेंस कॉन्फिडेंस, मास रीच, एक्सप्रेसिवनेस, इन्फॉर्मेटिव, कन्वीनियंस एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो चलिए बेटा हर एक पॉइंट को अब बड़ी गहराई से और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। एडवर्टीजमेंट का जो फर्स्ट बेनिफिट हमारे सामने निकल के आता है वो है इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक का मतलब होता है कि सस्ता, मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट है एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही सस्ता माध्यम है अपने प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। हम ये भी जानते हैं बेटा कि यस एडवर्टाइजिंग इज एन एक्सपेंसिव मीन ऑफ प्रमोशन, कि भाई जब भी एडवर्टीजमेंट पर लगने वाला खर्चा होता है उसको हम एक साथ देखते हैं तो बहुत ही बड़ा खर्चा हमारे सामने निकल के आता है। बट When it comes about covering a large number of customers, जब बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स को कवर करने की बात आती है ना तो इट बिकम्स एन इकोनॉमिक मीन ऑफ प्रमोशन। तो अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने का एक बहुत ही सस्ता माध्यम हमें मिल जाता है। यदि एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो एडवर्टाइजिंग जो एक्सपेंसेस है सपोज करिए कि वो हुआ है 1 लाख रुपए का। इस खर्चे की बदौलत जो आपके प्रोडक्ट की जानकारी है, आपके प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है वो 5 लाख कस्टमर्स तक पहुंचा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो पर हेड खर्चा है या जो पर कस्टमर के लिए जो हमने एडवर्टीजमेंट करने पर खर्चा लगाया था वो 20 पैसा प्रति कस्टमर था। तो देखा बेटा एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है वो एक कस्टमर के लिए केवल 20 पैसा ही आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है वो हमारे लिए काफी इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रमोशन है। यदि हम दूसरे बेनिफिट की बात करें तो वो है एनहेंस कॉन्फिडेंस। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग प्रस्पेक्टिव बायर्स एज दे फील मोर एश्योर अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। क्योंकि जब भी किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो उस एडवर्टीजमेंट में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाती है। तो कस्टमर्स को अपना जो कॉन्फिडेंस है वो इस बात को लेकर हो जाता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो काफी रिलेवेंट होगा और इसके आगे जाकर कोई भी हमें नुकसान नहीं उठाने पड़ेंगे। लेकिन शर्त ये है कि एडवर्टीजमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से यदि हम एडवर्टीजमेंट का जो थर्ड बेनिफिट है वो देखें तो वो है मास रीच। मास रीच का मतलब होता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ना वो बहुत से कस्टमर्स को जानकारी एक ही समय पर दे देता है। एडवर्टाइजिंग इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जो एडवर्टीजमेंट है वो किसी भी प्रोडक्ट की जो जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही समय पर बहुत सारे कस्टमर्स को या लोगों को पहुंचा सकता है। यदि मान लीजिए किसी भी बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो टीवी और रेडियो के थ्रू किया है तो उस प्रोडक्ट की जानकारी आपको नेशन वाइड मिल सकती है, उसकी जानकारी पूरे देश भर में फैल सकती है। इसी तरह से यदि हम दूसरे मेथड की बात करें तो मान लीजिए बिजनेसमैन ने अपना जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइज किया है इंटरनेट के थ्रू, तो इंटरनेट के थ्रू क्या होगा, उसके प्रोडक्ट की जो जानकारी है वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचेगी। मतलब एक ही देश को नहीं, बहुत सारे देश के जो कस्टमर्स हैं उनको उस प्रोडक्ट की जानकारी इजीली मिल जाएगी। अगर हम फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो वो होता है बेटा एडवर्टीजमेंट क्या होता है, काफी एक्सप्रेसिव होता है या इम्पैक्टफुल होता है। एडवर्टीजमेंट इज एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ प्रमोशन। तो बेटा जो प्रमोशन करना है, अपने नए गुड्स का प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट है वो काफी इफेक्टिव आपके लिए साबित हो सकता है। वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे लिखा है Even a simple product can be presented attractive. तो बेटा जो सिंपल सा प्रोडक्ट भी है ना उसका ज्यादा कोई उपयोग नहीं है, साधारण सा दिखने वाला कोई प्रोडक्ट है या गुड्स है तो उसको भी काफी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स। आजकल कंप्यूटर पर बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स का यूज किया जाता है, जैसे ग्राफिक्स वगैरह हो गया या कंप्यूटर पर बैठकर जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है वो काफी अट्रैक्टिव डिजाइन का उपयोग करके और फिर बाद में प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करता है। तो एक सिंपल सा दिखने वाला जो प्रोडक्ट है वो काफी अट्रैक्टिव बन जाता है, भले ही पैकेजिंग में आने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको सिंपल सा दिखाई दे लेकिन उसकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव, इतने उसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा कि फर्स्ट टाइम में जो कस्टमर्स है उसकी आंखों को वो जो प्रोडक्ट है ना वो काफी अट्रैक्टिव लगेगा और वो इंस्टेंटली उसको बाय करने की कोशिश करेगा।
यदि हम फिफ्थ बेनिफिट की बात करें तो वो है इन्फॉर्मेटिव। तो बेटा आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई जब हम एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बेशक उससे क्या होता है, प्रोडक्ट की जो सेल है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, लेकिन इसी के साथ में जो एडवर्टीजमेंट है वो नए प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी बहुत ही वैरायटी में जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है। अब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो एडवर्टीजमेंट है वो अपने कस्टमर्स को देता है, तो ये फर्स्ट तो है हाउ टू यूज प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसकी सभी जो गाइडलाइन है उसकी पैकेजिंग पर लिखी हुई होती है। क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटीज हैं, आपको ये जो प्रोडक्ट है भविष्य में कैसे बेनिफिट पहुंचा सकता है, इसकी भी जानकारी प्रोडक्ट पर होती है। इसी के साथ में कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट किन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो सभी जानकारी आपको उसके पैकेजिंग पर या लेबलिंग पर आसानी से मिल जाएगी। इसी के साथ में जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, तो ये जानकारी भी आपको आसानी से मिल सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है सेल्स को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ में कस्टमर को अपने नए प्रोडक्ट के बारे में इम्पोर्टेंट जो नॉलेज है या जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ में यदि हम सिक्स्थ बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है बेटा कन्वीनियंस। सिंस द कंज्यूमर्स हैव ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको पता है अभी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि भाई जो कस्टमर्स है उसको नए प्रोडक्ट के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है एडवर्टाइजमेंट दे चुका होता है, तो ही हैज नॉट टू वेस्ट हिज टाइम इन चूजिंग एंड कंपेयरिंग द प्रोडक्ट। तो उसे दूसरे प्रोडक्ट के साथ में उस मेन प्रोडक्ट को कंपेयर करने की या अलग अलग प्रोडक्ट को चूज करने पर जो उसका टाइम वेस्ट होता है, तो इस तरह के टाइम वेस्ट करने की उसे बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी विद द सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास भी वही प्रोडक्ट होगा, तो ऐसे इस तरह के जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एक ही वैरायटी के, तो उनको उनके बीच में कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसे सारी जो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है वो मिल चुकी है। यदि हम एडवर्टीजमेंट के लास्ट बेनिफिट के बारे में बात करें तो वो है बेटा सेवंथ पॉइंट, और उसमें है फ्रीडम ऑफ चॉइस। Nowadays customers have freedom of choice. आजकल क्या है बेटा, एडवर्टीजमेंट किसी भी प्रोडक्ट का इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कस्टमर्स को अब choices मिल चुकी हैं। जो प्रोडक्ट बढ़िया होगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वही आज मार्केट में अच्छी तरह से बिक सकता है। In this competitive market, a large variety of goods of different brand is there. जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आजकल के competitive market में प्रतिस्पर्धी बाजार में बहुत से variety के brand customers के लिए available हैं। Advertisement give necessary information about different brands. और जो advertisement का काम क्या होता है, अलग अलग जो brands हैं वो अपने हिसाब से advertisement करते हैं, तो advertisement के through उनको उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो ही जाती है, so that buyers can clear their confusion. और जो buyers हैं वो अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, और ये कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगा, बाय कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। और जो भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को दी जा रही है, तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके और उनके बारे में एनालिसिस कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट होगा बिफोर टेकिंग ए बाइंग डिसीजन। और जैसे ही वो बाइंग डिसीजन लेता है, मतलब वो खरीदने को तैयार होता है, तो उससे पहले वो नए प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर भी कर चुका होता है और उसको एनालिसिस भी कर चुका होता है। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाई विद द पर्टिकुलर ब्रांड्स, अगर वो किसी विशेष ब्रांड से सेटिस्फाई नहीं है, तो ही कैन बाय अदर ब्रांड। तो वो भाई क्या करेगा, दूसरे ब्रांड के जो प्रोडक्ट है उसको खरीद लेगा। इसलिए देयर आर अ लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल फॉर देम, और इसीलिए आज कस्टमर्स के पास में बहुत सी चॉइस अवेलेबल है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको एडवर्टीजमेंट के जो बेनिफिट्स है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आसानी से अपनी जो प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग के जो डीमेरिट्स हैं, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट जब हम करते हैं तो एडवर्टीजमेंट के खुद के कुछ ना कुछ नुकसान तो होंगे, या फिर जो एडवर्टीजमेंट है वो कुछ ना कुछ चीज़ों को लिमिट तो करता ही होगा। तो लिमिट का मतलब यहाँ से है कि एडवर्टीजमेंट का हम यूज़ कहाँ तक कर सकते हैं, इसके भी अपने कुछ नुकसान होते हैं। तो इन्हीं नुकसान के बारे में, इन्हीं लिमिटेशंस या डीमेरिट्स के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बेटा मेरिट्स की तरह ही जो एडवर्टीजमेंट के डीमेरिट्स हैं, या यूं कह लो कि जो इसकी लिमिटेशंस है ना, उसको भी मैंने 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। उसमें फर्स्ट है लेस फोर्सफुल, लैक ऑफ फीडबैक, इनफ्लेक्सिबल, इन्फीरियर गुड्स, इनलास्टिक डिमांड गुड्स, नॉट सूटेबल फॉर सेलर मार्केट एंड अंडरमाइन सोशल वैल्यू। तो ये जो 7 पॉइंट है अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। यदि हम एडवर्टाइजिंग का जो फर्स्ट डीमेरिट है या जो फर्स्ट लिमिटेशन है
उसको हम पढ़ें तो वो आता है बेटा लेस फोर्सफुल। तो लेस फोर्सफुल का मतलब होता है कि कम प्रभावशाली, या यूँ भी कह सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है ना वो लेस इफेक्टिव है। वो क्यों है? बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन कस्टमर्स एंड सेलर्स। क्योंकि बेटा जो एडवर्टाइजिंग है ना वो एक इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का फॉर्म है, जिसमें एक जो सेलर होता है और जो कस्टमर होता है ना, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता भी नहीं है। एडवर्टीजमेंट डज नॉट हेल्प द मैन्युफैक्चरर्स टू नो अबाउट टारगेट कस्टमर्स एंड देयर रिक्वायरमेंट। और एडवर्टीजमेंट तो क्या होता है बेटा, सिंपली टीवी पर चलता रहता है। अब जिस कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है वो भी वो ऐड देख रहा है, तो उस ऐड का उस पर तो कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। तो इस तरह से जो एडवर्टीजमेंट है वो मैन्युफैक्चरर को उसके टारगेट कस्टमर के बारे में भी पता नहीं चलने देता, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से भी वो जो ऐड है नहीं चलता है। तो सपोज करिए कि किसी भी शहर में मान लीजिए 50% ऐसे हाउस थे जहाँ पर उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो वो जो ऐड है वो उनके लिए फ्रूटफुल हुआ, मतलब उनके लिए उपयोगी साबित हुआ, लेकिन जो बाकी 50% है उनको उस ऐड की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो ऐड है बाकी 50% के लिए क्या होगा, लेस इफेक्टिव होगा। अगर हम सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो वो है लेक ऑफ फीडबैक। मैन्युफैक्चरर्स स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टीजमेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो एडवर्टीजमेंट पर है ना, मैन्युफैक्चरर्स जो लोग हैं या जो बिजनेसमैन हैं बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बट आफ्टर दिस स्पेंड, लेकिन बेटा इतना खर्च करने के बाद में भी दे इवन डोंट नो अबाउट देयर कस्टमर्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स, कि भाई उनके प्रोडक्ट के लिए कौन से कस्टमर सही रहेंगे, इन कस्टमर्स के बारे में भी उनको पता नहीं चलता है। फॉर विच एडवर्टाइजिंग वॉज डन, जिनके लिए बेटा एडवर्टाइजमेंट किया गया था ना, उन कस्टमर्स के बारे में उन मैन्युफैक्चरर्स को पता भी नहीं चल पाता है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, या लिमिटेशन कह सकते हैं। इसी के साथ में जो कस्टमर्स का फीडबैक होता है, भाई प्रोडक्ट को लेकर उनके क्या सजेशन है, क्या वास्तव में वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे या नहीं, तो इस तरह की जो फीडबैक है या जो जानकारी है वो मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंच पाती है। यदि हम थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो वो है इनफ्लेक्सिबल। वंस द एडवर्टीजमेंट रन्स ऑन टीवी और इंटरनेट इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है बेटा, जो स्टैटिक रहता है, मतलब जो स्थिर रहती हैं चीजें। तो एक बार यदि एडवर्टीजमेंट टीवी पर या इंटरनेट पर चला दिया जाता है या फिर और किसी शोर्स पर एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो बेटा उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। अब उसमें जो भी जिस भी तरह की स्कीम थी वो स्कीम हमेशा फिक्स ही रहेंगी। सपोज करिए कि एडवर्टीजमेंट में किसी प्रोडक्ट की सेल के लिए एडवर्टीजमेंट किया गया और उस पर बेटा वो 10% डिस्काउंट देना चाह रहा है, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं कि वो चाहते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट पर तो 15% डिस्काउंट होना चाहिए था या 20% डिस्काउंट होना चाहिए था। तो इस वजह से जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को बाई नहीं कर पाता है। अगर हम बात करें पर्सनल सेलिंग की, मतलब डोर टू डोर सेल करने के लिए जो सेल्समैन जाते हैं ना, वो चीजें बेटा काफी इनफ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि वहां पर कस्टमर और जो सेलर है वो आमने सामने बार्गेन कर सकते हैं। तो सपोज करिए उसने 10% बोला डिस्काउंट के लिए, तो जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट के लिए 20% भी ले सकता है और 30% डिस्काउंट भी ले सकता है, आपसी मोल भाव करके। यदि हम एडवर्टीजमेंट के फोर्थ डिमेरिट की तरफ चलें तो वो है बेटा इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जो घटिया क्वालिटी के गुड्स होते हैं। समटाइम्स अ फर्म कैन इजीली प्रमोट इट्स चीपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। कई बार क्या होते हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ बिजनेसमैन या कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि अपनी घटिया क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होता है ना उसको भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू अट्रैक्टिव रूप में पेश करके और उनको बेच दिया जाता है मार्केट में। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना वो घटिया क्वालिटी वाले और अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। भाई एडवर्टीजमेंट तो क्या है, एडवर्टीजमेंट होता है, आप तो किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। बट दिस टाइप ऑफ फर्म और प्रोडक्ट्स डोंट स्टे इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन बेटा हो सकता है कि एक बार एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस इन्फीरियर गुड्स को आप मार्केट में बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मार्केट में लंबे समय तक इस तरह का ना तो प्रोडक्ट टिकेगा और ना ही इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में टिक सकता है। इसी तरह से यदि हम फिफ्थ लिमिटेशन की बात करें तो वो है इनलास्टिक डिमांड गुड्स। तो बेटा जो इनलास्टिक डिमांड गुड्स होती है ना उनमें एडवर्टीजमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती है। अब ये इनलास्टिक डिमांड गुड्स क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। दोज गुड्स विच डिमांड डज नॉट चेंज वेदर प्राइस ऑफ सच गुड्स डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। तो ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड बेटा कभी चेंज नहीं होती है, जो भी स्टैटिक रूप से चल रही है वो उसी तरह से चलती रहेगी, चाहे से उस गुड्स की प्राइस कितनी ही कम क्यों ना हो जाए या कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए। तो व्हेन द प्राइस
प्राइस गोज अप। अब कई बार क्या होता है, यदि मान लो उस प्रोडक्ट की या उस गुड्स की प्राइस ज्यादा हो गई तो कस्टमर्स विल नॉट चेंज देयर बाइंग हैबिट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कस्टमर्स है इस तरह के प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे, नहीं, वो अपने खरीदने की आदत को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। आवश्यकता अनुसार जितनी मात्रा उनको जरूरत है वो मात्रा वो जरूर खरीदेंगे। दीज प्रोडक्ट्स आर नेसेसिटीज, और स्पेशली जो ये प्रोडक्ट होते हैं ना, इन इलास्टिक डिमांड वाले जो प्रोडक्ट है वो नेसेसिटी टाइप वाले होते हैं, मतलब उनकी जरूरत हमेशा एक कस्टमर को रहती है। दे डोंट हैव सब्स्टिट्यूट्स, और बेटा सीधी सी बात है, इस तरह के प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कॉफी और टी है, सपोज करिए कि अब जो टी के प्राइस है वो ज्यादा हो गए, तो हम क्या है सब्स्टिट्यूट के रूप में कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको अब एग्जांपल में बताने वाला हूँ ना, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। यदि हम एग्जांपल की बात करें तो वो है जैसे सॉल्ट, पेट्रोल, टोबैको, मेडिसिन, तो ये क्या है बेटा, नेसेसिटी वाले आइटम्स हैं। इनकी प्राइस चाहे कितनी ज्यादा बढ़ जाए लेकिन फिर भी जो कस्टमर है वो अपने डेली यूजेस के हिसाब से उसको जरूर खरीदेगा। सो देयर इज नो नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर सच प्रोडक्ट, और इसीलिए कहा गया है कि जो ये इनइलास्टिक डिमांड वाले गुड्स होते हैं ना, इनका एडवर्टीजमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बेटा कोई भी जो कस्टमर है ना, इन प्रोडक्ट्स को किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखकर नहीं खरीदता है, उसकी जब जरूरत होगी तभी इन चीजों को वो इस्तेमाल करेगा और जरूर करेगा। इसी तरह से यदि हम सिक्स्थ पॉइंट की बात करें ना, तो ये है नॉट सूटेबल फॉर सेलर मार्केट। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो सेलर मार्केट है वो होता क्या है। द मार्केट इन विच गुड्स आर स्केर्स, कि ऐसा कोई मार्केट, ऐसा कोई बाजार जिसमें कि जो गुड्स हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, बायर्स हैव लिमिटेड चॉइस, और उन गुड्स के रिगार्डिंग बायर्स के पास में कोई चॉइस भी नहीं होती है, एंड प्राइसेस आर हाई, और ज्यादातर इन गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं, तो इस तरह के मार्केट को हम बोलते हैं सेलर मार्केट। बेटा सेलर मार्केट से मतलब ये नहीं है कि वहां पर सेलर ही बैठे रहते हैं, नहीं, वहां पे बायर भी जाते हैं खरीदने के लिए, तो इस मार्केट में बेटा सेलर और बायर दोनों रहते हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है सेलर मार्केट की कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो बहुत महंगी होती है, लिमिटेड क्वांटिटी होती है उनकी, और कस्टमर्स के पास में कोई चॉइस भी नहीं होती कि भाई इस प्रोडक्ट की जगह हम दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो सेलर मार्केट है ना वो इन इलास्टिक डिमांड वाले गुड्स का मार्केट होता है। तो इसमें भी वही एग्जांपल होंगे, एलपीजी, केरोसिन और नेसेसिटी के जो भी गुड्स और आइटम होते हैं वो सेलर मार्केट के कैटेगरी में गिने जाते हैं, और इस तरह के प्रोडक्ट का भी हमें कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब भी कस्टमर को जरूरत रहेगी तो वो इन चीजों को जरूर खरीदेगा। यदि हम एडवर्टाइजिंग के डीमेरिट्स का सेवंथ पॉइंट देखें, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है अंडरमाइंस सोशल वैल्यू। तो हमारे जो सोशल वैल्यूज है ना बेटा, कभी कभार एडवर्टाइजमेंट उनको कम करता है, उनको हानि पहुंचाता है। कैसे? समटाइम्स वल्गर एड्स आर ऑल्सो रन ऑन टीवी एंड इंटरनेट। कई बार क्या होता है कि जो टीवी और इंटरनेट होते हैं ना, उन पर जो वल्गर टाइप के जो एड्स होते हैं ना, जो बेकार क्वालिटी के, जो भद्दे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो भी चलते रहते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो है ना अपने सोशल कल्चर, सोशल जो वैल्यूज है, हमारे जो संस्कार है उनको भी प्रभावित करते हैं, और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके माइंडसेट को भी चेंज करते हैं, उनके दिमाग में भी नेगेटिविटी डाल दिया करते हैं। तो ये थे बेटा एडवर्टाइजिंग के कुछ डिमेरिट्स, कुछ लिमिटेशंस। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको डिमेरिट्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें, तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।